अंदर भी पपीता और उसके अंदर भी बीज के तरह क्या है उसका फल क्या है क्या है के अंदर पपीता ये क्या मनुष्य के अंदर मनुष्य नहीं होता है क्या होता है ना तो पपीता के अंदर पपीता भी होता है हाँ तीन रहा तीन कैसे काटे हाँ तीन तरह उसके अंदर भी तीन तीन तो एक एक में तीन आत्माएं प्रवेश करती होंगी क्या राधा कृष्ण के आत्माएं राधा कृष्ण के अच्छा शंकर में बताओ कितनी आत्माएं पपीता भी तीन आत्मा तीन आत्माएं हो गई ना सब प्रश्न किसी प्रश्न किसी का नहीं प्रश्न किसी का नहीं सब प्रश्न चित्त हुए मैं तो स्वर्ग आ गया कितनी देर के लिए यहाँ बैठे हैं तब तक खुशी नहीं रहे ऐसे मुरली में बोलते हैं कि यहाँ आते तो कितने खुश होते हैं और बाहर गए तो खड़ा मैं आ गया जैसे किसी भी कहते हैं राधा यहाँ तुम बाहर माए तो क्या सतजुन में होंगी कि ये पुरुषोत्तम संगम जहाँ तुम जहाँ मैं तहाँ तुम ये टीवी में देखा है या स्वर्ग में देखा है तो स्वर्ग की तुमने बात क्यों बताई कि स्वर्ग में राधा कहती है जहाँ तुम वहाँ मैं वहाँ तुम ये तो टीवी में देखा और टीवी किसने बनाई मनुष्यों ने और मनुष्यों ने बातें जो उठाई है वो कहाँ से उठाई शास्त्रों से तो शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो कहाँ की यादगार है पुरुषोत्तम संगम युग की तो जो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं राधा हो चाहे कृष्ण हो वो जब अपने स्वरूप को पहचाने तब वो आपस में बातें करे कि जहाँ तुम वहाँ मैं जहाँ मैं वहाँ तुम तो अव्यक्त होने की स्टेज है कहीं जाने आने की बात नहीं है क्यों कि जब आत्मा आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाती है तो दूरी अनुभव नहीं होती है देह भान में है तो बुलाते हैं हे भगवान आओ आओ भक्त बुलाते हैं या ज्ञानी बुलाता है भक्त है तो बुलाते हैं ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए तो बुलाने की दरकार होती नहीं जहाँ तुम वहाँ मैं जहाँ मैं वहाँ तुम आत्मा परमात्मा बाप से अलग हो ही नहीं सकती जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा जहाँ परमात्मा वहाँ आत्मा और श्याम सुंदर पतित पावन का अर्थ है पतितों को पावन बनाने वाला और पतित शब्द पहले पावन शब्द बाद में माना पतित में ही पावन प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है श्याम के अंदर ही प्रवेश करके जो अति सुंदर है सदैव सुंदर है वो श्याम सुंदर का पार्ट बजाता है जब संपन्न बनाता है तब परमात्मा जो है वो ब्रह्मा को जब ब्रह्मा के द्वारा आखिर अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा को ब्रह्मा को ही तो मुकर्रर किया ज्ञान दिया
जब तक जिंदा था तब तक ज्ञान दिया तो शरीर थे तब तक तो ये ज्ञान दिया तुम्हारा बाप कौन है ये भेजता तो बीजारोपण करके चले गए दिया था अरे बच्चों को ज्ञान दिया कि तुम्हारा बाप कौन है चुप हो जाते उनके द्वारा केवल मुरली लिखी गई मुरली लिखी गई तो शास्त्र भी लिखे जाते हैं शास्त्र भी लिखे जाते हैं सुने जाते हैं सुनाए जाते हैं लेकिन बाप भगवान का परिचय कोई को भक्ति मार्ग में शास्त्रों से तो नहीं होता लिखने वाला जो होता है हाँ तो उसको जो है पढ़ाने वाला तो अलग चाहिए ना टीचर के रूप में ठीक है लेकिन यहाँ तो कहते हैं वही बाप है वही टीचर है वही सदगुरु है ये तीनों एक ही है एक ही शरीर से तो एक ही शरीर से है तो शिव बाबा है बाबा बाबा तो साकार निराकार के मेल को बताया है आखिर तीन मूर्तियों की रचना किया है ना तीन मूर्तियों की रचना की है लेकिन शिव एक है भगवान एक है या तीन है भगवान तो एक है तो वो कौन है वो पर के आज ही आई है, है? आज ही आई है शाम को पढ़ाई के लिए ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं पढ़ाई पूरी कर लो साथी के कहता है शंकर के पास नहीं है कौन कहता है ब्रह्म कुमारी लोग कहते हैं कि प्रजापिता जो होता है से दादा लेते रहते हैं शंकर के पास क्या होगा शंकर जी के पहले देखा हुआ था संकीनाथ जैसे कि पीजी के आदमी तो शंकर तो कुछ नहीं करते हैं तो क्या पास होगा नहीं ब्रह्मा कुमारियाँ सब करती हैं बड़े बड़े पोस्टर बनाती हैं मेगा प्रोग्राम करती है बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करके फिर पोस्टर छपा के उसमें तीन मूर्तियाँ छपाती है तीन जो दादियाँ हैं वो छपाई जाती है एक ब्रह्मा बनती है एक विष्णु एक शंकर वो ही सब कुछ करते हैं शंकर क्या करता है फिर मर जाती है शरीर छोड़ जाती है एक गुरु मर जाता है फिर दूसरा मर जाता है फिर उनका चेला बैठता है फिर वो भी मर जाता है यही तो करती है शंकर कुछ नहीं करता हाँ शंकर को भक्ति मार्ग में अमर बताया है ऐसा झूठ बताई दी है शंकर थोड़ा ही अमर होता है संगठन माने क्या है नया संगठन माने नई दुनिया है? जो अव्यक्त वाणी में अभी पिछले साल बोला ना क्या बोला तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात तो बाप दादा ने दी है उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना बोला कि नहीं बोला बोला तो जो नई दुनिया का फाउंडेशन डाला गया है बाप दादा के द्वारा वो ही नई दुनिया फाउंडेशन है अभी पक्का मकान नहीं बना है फाउंडेशन अंडरग्राउंड होता है या बाहर होता है, है? जमीन खोदी जाती है गहरी गहरी और उसमें अंदर डाला जाता है फाउंडेशन तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया है तुम बच्चे माने कोई बच्चे हैं जो आना जाना भी करते हैं बाबा है वो शेर वाली को है ना शेर पे सवार सिखाते है ना तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है
कि जैसे बताते हैं भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, क्या आधा नर था और आधा शेर था, तो कोई ऐसा आदमी थोड़े ही होता है कि आधा शेर हो आधा नर हो। दिखाया है कि ऐसा नर माने ऐसा मनुष्य था जो शेर जैसा था, तो देवी की सवारी शेर के ऊपर दिखाते हैं। इसका मतलब देवी शेर से प्यार करती है कि नहीं करती है अपनी सवारी से? अरे गणेश जी चूहे से सवारी करते हैं, तो अपने चूहे सवारी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? घुड़सवार अपने घोड़े पर सवारी करता है, तो अपने घोड़े से प्यार करता है कि नहीं करता है? अरे करता है ना। तो ऐसे ही शेर की सवारी देवी को दिखाते हैं, तो देवी अपनी सवारी से प्यार करती कि नहीं है? करती है ना। आप समझ गई कौन है? और ब्रह्मा की सोल पूरी हो जाती है और वो व्यक्ति लोग से उसकी आयु खत्म हो जाती है, अमर लोग में जाती है, मतलब निश्चय से पड़े हो जाते। हाँ जी। फिर उसके बाद ब्रह्मा की सोल में प्रवेश क्यों करती है? इसलिए करती है कि उसके दो रूप है। अर्थात में जब शरीर छोड़ा था तो स्थूल शरीर छोड़ा था कि सूक्ष्म शरीर छोड़ा था? कौन सा शरीर छोड़ा था? स्थूल शरीर छोड़ा था। और स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर तो रह गया, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर भी 87-88 के बाद बीज रूप स्टेज धारण करने लगता है, और ऐसी बीज रूप स्टेज धारण करता है कि उनको नरक की अनुभूति नहीं होती। इसलिए पीपल के पत्ते पर गर्भ में महल दिखाया जाता है, गर्भ महल जहाँ सुखी ही सुख है, स्मृति का अंगूठा चूसता हुआ दिखाया जाता है। बाकी ये एक तरह से गर्भ में प्रवेश होने की बात है। क्या कहाँ प्रवेश किया ब्रह्मा की आत्मा ने? ज्ञान, ज्ञान गर्भ में प्रवेश किया। अब तुम्हारा प्रश्न ये है कि वो आत्मा अभी भी गुलजार के तन में क्यों जाती है? वो इसलिए जाती है कि जैसे गर्भ में बच्चा प्रवेश करता है तो वो अपने अंदर कुछ न कुछ पूर्व जन्म का सोचता रहता होगा या नहीं सोचता होगा, और जन्म लेता है तो भी 2-4 साल जो शैशवावस्था होती है उस शैशवावस्था में बच्चा कभी अपने आप हंसता है, कभी अपने आप रोता है, तो इससे क्या साबित होता है कि वो अपनी पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है। ऐसे ही वो आत्मा अभी भी सदैव बीज रूप स्टेज में नहीं रहती, जब संकर में प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज में रहती है बिंदु, और जैसे ही पूर्व जन्म की स्मृति में आती है वैसे ही वहां जाके गुलजार में पार्ट बजाती है। तो दो तरह के शरीर अभी भी चल रहे हैं, बीज रूप स्टेज ज्यादा चलती है और सूक्ष्म शरीर की स्टेज कम चलती है। जब भी सूक्ष्म शरीर की स्टेज चलती है तो गुलजार आदि में प्रवेश करके वो वाणी चलाती है। बाबा पहले से ही वहाँ पर डेट फिक्स हो जाती है कि बाबा आने वाले हैं, तो क्या ब्रह्मा की सोल को पहले ही पता हो जाता है कि इस? अरे ब्रह्मा की सोल को तो छोड़ो, जो साधारण सोलें प्रवेश करती हैं वो भी पहले से घोषणा कर देती हैं कि मैं अमुक टाइम पर अमुक दिन में आने वाला हूँ, अबाली हूँ आने वाला हूँ। ब्रह्मा की सोल तो बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा है, वो तो परिस्थाई सूक्ष्म शरीरधारी है। बाबा दादी गुलजार जब सूक्ष्म बसंत से संदेश लाती हैं
तो ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ कि शिव बाबा को देखती हूँ? संदेशों में तुमने अक्सर पढ़ा होगा कि दादी बोलती है छोटे बाबा बोले, बड़े बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा बोले, शिव बाबा बोले, तो उन्होंने अलग अलग दिखाई पड़ती है कि एक दिखाई पड़ता है? वो सबको क्यों नहीं बताती है? फिर सबको तो नहीं बताती है? क्या नहीं सबको बताती है ना, तो पढ़ो उन संदेशों को, उन्हीं में तो लिखा है। सभी संदेशों में ये बात आती है कि नहीं आती है? अव्यक्तवाणी में भी ये बात आती है, छोटे बाबा बोले, बड़े बाबा बोले, बाप दादा बोले, शिव बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा ये बोले, फिर शिव बाबा ने ये जवाब दिया। सूक्ष्म वतन की जो बातें बताई जाती है अव्यक्त वाणी में, वो बातें कहाँ की है? एडवांस पार्टी के अंदर ही छोटे बाबा भी प्रवेश कर रहे हैं और बड़े बाबा भी अपना पार्ट बजाए रहे हैं। छोटा बाबा है ब्रह्मा बाबा और बड़ा बाबा है शिव बाबा है? आठ नारायण शंकराचार्य नहीं है, लेकिन जैसे सिख धर्म ने फॉलो किया है देवी देवता सनातन धर्म को, तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं और देवी देवता सनातन धर्म का जो झाड़ बाबा ने बनवाया उसमें भी कितनी जड़ें दिखाई गई हैं? 10 जड़ें दिखाई गई, 10 धर्म है मुख्य। ऐसे सिख धर्म ने फॉलो किया है, ऐसे सन्यासियों ने भी फॉलो किया है। आदि शंकराचार्य, उसके बाद फिर गद्दियां चलती गई। तो मूल कहां से शुरू होता है? मूल शुरू होता है बीज रूप आत्मा से। बीज से जड़ें बनते हैं और जड़ें भी उन्हीं पूर्वजों को फॉलो करती है। हरी कहते हैं कृष्ण को, हरिद्वार माना कृष्ण का द्वार। हरिद्वार की विशेषता ये है कि गंगा पहाड़ से उतर करके नीचे मैदान में आती है। मैदान माना युद्ध भूमि। पहले ऋषिकेश से उतरती है, ऋषिकेश पवित्र स्थान है, वहां गंगा में कोई कचरा कभी नहीं पड़ता। बाद में फिर जब मैदान में आती है तो गंगा में कचरा पड़ना शुरू होता है। तो कचरा कहां से पड़ता है? अभी भी जो गंगा में कचरा पड़ रहा है वो पहला पहला कौन से शहर है जहां कचरा पड़ रहा है? हरिद्वार। हरि कृष्ण को कहा जाता है और हर हर किसको कहा जाता है? हर हर बम बम, हर शंकर को कहा जाता है। पवित्र देवता है, फरिश्ता है या कचरा डालने वाला है? फरिश्ता है, फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। जिनका रिश्ता होता है देह और देह के संबंधों से, वो फिर रिश्ते पैदा करते रहते हैं।
गर्भ से बच्चे पैदा करते रहते हैं, सृष्टि बढ़ती रहती है विकारी, शंकर विकारी सृष्टि पैदा नहीं करता। जैसे भारत माता का रूप दिखाया है, ये चित्र बनाते हैं भारत माता का, उसमें भारत का नक्शा दिखाते हैं, दिखाते हैं, और उसमें किसको खड़ा कर देते हैं, कोई माता को खड़ा कर देते हैं। तो सर किस तरफ है, दक्षिण भारत की तरफ है या कश्मीर की तरफ है, है? कश्मीर की तरफ है सर, गला, और जो कंधे जिनके ऊपर सारा बोझ रखा जाता है, वो पंजाब उत्तर प्रदेश को दिखाया है। और दिल्ली को क्या दिखाते हैं, दिल दिखाते हैं। उसके नीचे क्या होता है, कंधों के नीचे और दिल के नीचे क्या होता है, मध्य भाग होता है, वो मध्य प्रदेश है। बाबा ब्रह्म कुमारी की उसको ब्रह्म कुमारी से आश्रम कितना समय चलते रहते हैं, ब्रह्म कुमारी से आश्रम अब कितना समय चलते रहते हैं, समय चलते रहते हैं। जब तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने बाप का नाम बाला नहीं करते, तब तक ब्रह्म कुमारी भी चलते रहेंगे। जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने बाप का नाम बाला करे, तो जो कहते हैं अपन को अम्मा कुमारी अम्मा कुमारी, खलास हो जाएंगे। कितना समय रहते बता दिए ना, तब तक रहेंगे जब तक सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक ब्रह्मा रूपी चंद्रमा अस्त नहीं होगा, और जब तक ब्रह्मा रूपी चंद्रमा अस्त नहीं होगा, तब तक रात अज्ञान की खलास नहीं होगी। तो किसके ऊपर मदार है, है? ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता का मदार किसके ऊपर है, बाप की प्रत्यक्षता का मदार किसके ऊपर है, बच्चों के ऊपर। ये पूछना बेकार है। तो तीन मूर्ति अच्छी है, सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो भी आते हैं, तो वो भी जिसमें प्रवेश करते हैं वो बाप होता है, जिसमें प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने वाला बाप हो गया, जिसमें प्रवेश किया वो अम्मा हो गई, हुई कि नहीं, तो माँ बाप की द्वारा वो चीज शुरू हो गई, नहीं सकती। शास्त्रों में एक ही धर्म पिता, ये क्या बात हुई, इस्लाम धर्म का इब्राहिम क्राइस्ट धर्म का बौद्ध धर्म का वो लोग जानते हैं क्या कि ऊपर से आत्मा आती है और नीचे वाले में प्रवेश करती है, है? जानते नहीं है, ये तो बाबा ने आके बताया कि ऊपर से जो आत्मा आती है वो अलग और जिसमें प्रवेश होती है वो अलग। जैसे यहाँ शिव ऊपर से आता है
और नीचे वाले में प्रवेश करता है। बाबा, जैसे दुनिया में सजा दी जाती है तो मुजरिम से उसका जुर्म कबूल कराया जाता है, फिर उसको सजा दी जाती है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा भी पूछी जाती है कि आपकी लास्ट इच्छा क्या है। तो ऐसे ही धर्मराज जब सजा देगा तो क्या वो आखिरी इच्छा पूछेगा? पहले साक्षात्कार कराएगा कि नहीं? पहले अपने अपने पापों का साक्षात्कार कराएगा या नहीं? तो जो पापी है वो अपने साक्षात्कारों का साक्षात्कार कर लेंगे तो समझ में आएंगे, उनकी समझ में आ जाएगा कि हमारी औकात क्या है। जब औकात का पता लग जाएगा फिर पूछेंगे, आप बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, विश्व के मालिक बनना चाहते हो या दास दासी बनना चाहते हो, क्या कहेंगे फिर वो है? क्या कहेंगे? कहेंगे हम विश्व के मालिक बनेंगे? नहीं कहेंगे ना। माया को माया बेटी इसलिए कहा जाता है कि शिव बाबा के सब बच्चे हैं, वैसे माया बेटी भी बच्चा है, बच्ची है वो, क्या बेटा नहीं है, क्या है, बेटी है। बेटी अपने घर की होती है, पराए घर की होती है, पराए घर की होती है, वो स्वर्ग की नहीं होती है, वो नरक की होती है। अपना घर कौन सा है, सुखधाम है या दुखधाम है? अपना घर है सुखधाम, और माया बेटी का घर कौन सा है, दुखधाम। वो वहां राज्य करेगी और हम कहां राज्य करेंगे, है? हम सुखधाम में राज्य करेंगे। तुम्हें सुखधाम अच्छा लगता है कि दुखधाम? दुखधाम अच्छा लगता है, इसलिए बाबा ने उसको माया बेटी नाम दे दिया। बाप के घर की हो पराए घर की हो, है? बाप की अच्छा बाप के सामने बैठे, बाप के घर की, अब बाप तो नहीं जाएगी घर में, है? बाप के घर को छोड़ के कहीं और तो नहीं जाएगी? बाबा तो मुरली में बैठा किया है ना, है उसमें परिवर्तन मुखी कंस्ट्रक्टिव दिखाने के बदले डिस्ट्रक्टिव दिखाता है, या तो बम विस्फोट होगा, कोई से आइस मेल्ट होगा, लो लैंड डूबेगा, भूचाल आएगा, महामारी आएगा, ऐसा तरह से डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, ये ज्यादा दिखाई, माने डिस्ट्रक्टिव ज्यादा दिखाई पड़ता है और कंस्ट्रक्टिव कम दिखाई पड़ता है। डिस्ट्रक्शन के बदला करेक्टिव नजर अपनाना भाई साहब समझ भाई है? नहीं, ये एडवांस की बात कर रहे हैं या बेसिक की बात कर रहे हैं, बीके की बात कर रहे हैं या पीबीके की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हमारा जो सेवन डेज कोर्स है उसमें भी व्याख्या किया है। सेवन डेज कोर्स जो है वो बीके की बात कर रहे हैं, सेवन डेज कोर्स बीके में दिया जाता है और पीबीके में भी दिया जाता है, सेवन डेज कोर्स माने एडवांस पार्टी में। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पीबीके में भी डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ज्यादा बोले जाते हैं और बीके में भी डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ज्यादा बोले जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्शन मनुष्य करता है या भगवान करता है? डिस्ट्रक्टिव चीजें मनुष्य पैदा करता है या भगवान पैदा करता है? मनुष्य पैदा करता है। तो बीके अभी जो भी है दुनिया में और पीबीके जो भी है दुनिया में अभी, वो मनुष्य है, मन चलाने वाले मनु की औलाद है या अभी भगवान की औलाद बन गए कोई?
हम जो मनुष्य की औलाद तो मनुष्य जो कुछ सुनाएगा वो क्या देखेगा, देखने में आएगा? मनुष्य का सुनाया हुआ, मनुष्य का बोला हुआ क्या देखने में आएगा? डिस्ट्रक्टिव। और दूसरी बात, भगवान आता है तो तीन मूर्तियों से आता है, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। उनमें सुखदायी मूर्ति कौन सी है? जो सुखी ही सुख देती है, वाचा से भी सुख देती है, कर्मेंद्रियों से भी सुख देती है और वाइब्रेशन से भी प्रैक्टिकल जीवन में क्या देती है? सुखी ही सुख देती है। और एक मूर्ति ऐसी है जो देवताओं को भी प्रिय है और असुरों को भी प्रिय है, लेकिन असुरों का संहार करती है और देवताओं का संवर्धन करती है। और तीसरी मूर्ति एक ऐसी है, न खुद को उठाती है, न देवताओं को उठाती है, न असुरों को उठाती है, खुद भी नीचे गिरती, देवात्माएं भी नीचे गिरती और असुर भी नीचे ही गिरती चली जाती। अब कौन सी मूर्ति प्रिय है आपको? तीनों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है? अभी असुरों को विनाश करने वाली दिखाई पड़ती है और ब्रह्मा की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी? देश देशांतर में इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हुए हैं, इतने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुले हुए, वो नहीं दिखाई पड़े? दिखाई पड़े है? हाँ या ना? करने वाली देवता को संबोधन करने वाली एक मूर्ति ऐसी है जो देवताओं को भी वरदान देती है, असुरों को भी वरदान देती है। एक मूर्ति ऐसी है जो सिर्फ देवताओं को वरदान देती है और एक मूर्ति ऐसी है कि न असुरों को वरदान दे पाती और न देवताओं को वरदान दे पाती। क्या वरदान दिए हैं असुरों को? ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिले हैं, लेकिन वो काम के नहीं मिले। उन असुरों का कल्याण नहीं हुआ और विष्णु द्वारा जो वरदान मिले हैं उनका कल्याण हुआ। तो तीन मूर्तियों में से आपको अभी ब्राह्मण परिवार में कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है? अरे आपको कोई मूर्ति तीनों में से दिखाई पड़ रही कि नहीं बताओ? कोई मूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही। अभी तो जो ब्रह्मा द्वारा सृजना, ब्रह्मा द्वारा संगठित हुई ब्रह्मा कुमारी का संगठन है ना, उनसे जो परिवर्तन का अपेक्षा किया था उसे नहीं हुआ। इसीलिए परिवर्तन का भी संगठन निर्माण करने के लिए शिवा बाबा ने संगठन को प्रादुर्भाव किया। वो तो विनाशकारी मूर्ति हो गए, विकारों को विनाश करने वाला है ना। माना जो विकारी है उनको विकारी दिखाई पड़ता है और जो देवता बनने वाले उनको देवता दिखाई पड़ता है। माना मूर्ति तो एक है लेकिन कोई से उसको सुख होता और कोई से उसको दुख होता। कोई ऐसा समझते हैं ये जो कुछ बोलता है सब डिस्ट्रक्टिव बोलता है, विनाश कर रहा है।
ये BKs लोग इस समय शंकर पार्टी को क्या समझते हैं? विनाशकारी समझते हैं। और PBKs में भी सब एक जैसे नहीं है, कोई विनाशकारी भी समझते हैं और कोई कल्याणकारी भी समझते हैं। कोई ऐसे हैं जो गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी समझते हैं, गीते में भी ऐसे हैं। अगर होते नहीं तो गीत क्यों गाते? ये गीत किसका गाया हुआ है? गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, ये बीके वालों का गीत गाया हुआ है या पीवी के वालों ने गीत गाया है? बीके वालों ने गाया। इसका मतलब बीके वाले भी सब एक जैसे नहीं है, उनमें भी कोई ना कोई है ऐसे छुपे पड़े हैं जो ये निकले हुए बैठे हैं सब। ये बीके में से आए हैं या पीवी के में से आए हैं? बीके में से आए हैं। तो ये सब बीके थे जिनको गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी लगती है और उनको अकल्याणी लगती है। तो आप किस पाला में है? कितने दिन हो गए बच्ची में आए? आज हो रहा है, सात दिन हो गए। सात दिन के बाद अभी आप डिस्ट्रक्टिव भी उठा पाया, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं उठाया। और ये तो कोई प्रश्न पूछ रहे हैं नई दुनिया क्या होती है, प्रश्न पूछ रहे हैं यानी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा, तुम्हारी पाला गया उनकी बुद्धि में भी अभी नहीं बैठा कि नई दुनिया क्या होती है, NF क्या होता है, लास्ट तो फास्ट होंगे ना। हाँ तुम्हारे मुंह में गिर सकता है। निर्वाह मौत मलु का शिकार, ये किसके लिए बोला है? इसका अर्थ मालूम है? निर्वाह माने जानवर, जो जानवर है इस दुनिया में उनको मौत ही मौत दिखाई पड़ेगी, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। और मलु का शिकार, मलु का माने शिकारी, जानवरों की तो मौत हो जाएगी और शिकारी को क्या मिल जाएगा? शिकार मिल जाएगा। तो कौन खुश होगा और कौन दुखी होगा? जानवर दुखी होंगे और मलूका, मलूका सुखी हो जाएगा। तो ये अपने ऊपर है कि हम किस तरह की बुद्धि से अपना काम करते हैं। नाली में से रतन खोजने वाला सागर में से रतन निकाल लेता है और सागर में सारी दुनिया का कचरा गिरता है। ये भी ज्ञान सागर है। सागर में से रतन भी निकलते हैं और सागर में से हालाहल विष भी निकलता है। क्या लेना है? रतन लेना है। तो अपनी बुद्धि को ऐसा बनाना है कि हमें रतन ही रतन दिखाई पड़े, हमें विषय वासना का विष न दिखाई पड़े। तो ज्ञान सागर है, सागर खारा भी है और सागर मीठा भी है। सागर में ऐसी भी धाराएं बहती हैं जो मीठा ही मीठा जल है और ऐसी भी धाराएं बहती हैं जिनमें खारा ही खारा पानी। अब ये उठाने वाले के ऊपर है क्या उठाता है। दिल्ली में जो भूकंप हुआ है, इसका अर्थ क्या है? भू माने क्या है? भू माने धरणी। धरणी में
दैली को माता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माता। धरणी माता में भी सब विनाशी खंड है कि कोई अविनाशी खंड भी है? अविनाशी, अविनाशी खंड भी है। इस धरणी में ज्यादा हिस्सा विनाशी खंड का है और एक छोटा सा हिस्सा अविनाशी खंड का है। लेकिन कलयुग के अंत में अविनाशी खंड भी सबसे ज्यादा नीचे गिरता है या विनाशी खंड सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं? ज्यादा दुख कहाँ देखने में आता है? अविनाशी खंड भारत में सबसे जास्ती दुख देखने में आता है। और यहाँ की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली के लिए अज्ञातवाणी में बोला है, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। तो दिल्ली को दिल कहा गया है, नाम क्या है? हैं? दिल्ली की दिल्ली। दिल कहाँ कहाँ जाता है? अभी दिल्ली भारत की परंपराओं को ज्यादा फॉलो कर रही है या विदेशों को फॉलो कर रही है? विदेशों को फॉलो कर रही है। तो जो जिसको फॉलो करता है वो उसकी प्रजा हो जाता है। प्रजा किसको फॉलो करती है? हैं? अरे राजा को फॉलो करता है। तो दिल्ली अभी कब्रिस्तान होनी है या परिस्तान बनेगी? कब्रिस्तान। बड़े रूप में देखेंगे तो दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी पहले, और उसके अंदर सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो कब्रिस्तान के अंदर कहीं परिस्तान भी बन रहा है। नई दिल्ली, हाँ जी। पुरानी दिल्ली है, उसमें मुख्य स्थान है दरियाओगंज। स्थान का नाम क्या है? तो मार्केट का नाम है दरियाओगंज। काहे का गंध है? दरियाओ का गंध। दरियाओ माने सागर, गंध का सागर। और वहाँ सबसे बड़े से बड़ा धर्म स्थान कौन सा है? कौन सा धर्म स्थान है? जामा मस्जिद। वो कौन सा धर्म का है? मुसलमानों का बड़ा स्थान है। तो जो दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनेगी वहां हड़कंप और भूकंप आएंगे या नहीं आएंगे? धरणी किसको कहा जाता है बेहद की भाषा में? कन्या माताओं को धरणी कहा जाता है। और धरणी यज्ञ की जो कन्याएं माताएं हैं, जो ज्ञानी होंगी वो ज्यादा हिलेंगी या अज्ञानी ज्यादा हिलेंगी? अज्ञानी हिलेंगी। दिल्ली इस धरणी का मुख्य स्थान है। और सबसे ज्यादा झटके दुनिया में कहाँ आ गए आएंगे? भूकंप के झटके ज्यादा ज्यादा कहाँ आएंगे? दिल्ली में आएंगे।
अभी वो दिल्ली वाले जो आजकल की दुनिया के दिल्ली के सरपरस्त हैं, वो दिल्ली को क्या बना रहे हैं? परिस्थान बनाने में लगे हुए हैं या कब्रिस्तान बनाने में लगे हुए हैं? वो परिस्थान अपने तरीके से बनाने में लगे हुए, लेकिन नरचाहत कछु और है, अभोगत है कछु और। ये भूकंप के झटके तो आते ही रहेंगे, अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, है? आगे चल के इतने बड़े बड़े झटके आएंगे कि जबरदस्त नुकसान होगा। जैसे अभी 2001 2002 में कोई झटका लगा था गुजरात, कहाँ? गुजरात, गुजरात। हाँ, गुजरात में वो स्थान कौन सा था जहाँ ज्यादा झटका लगा था? कच्छ भुज का नाम क्या है? कच्छ। कच्छ माने क्या होता है? कच्छ माने गोद, कछुआ नाम है कच्छप का। वो तो बाबा अपनी भाषा में बोल देते हैं कच्छ मच्छ, लेकिन असली शब्द है कच्छप। क्या है? कच्छ नाम है गोद का और भुज का नाम है, भुज किसे कहते हैं? इससे बनता है भुजंग, ऐसा अंग भुजंग, अंग अंग तो है लेकिन कैसा अंग है? भुजंग, कैसे सर्प। पहले भी 2001-2 में जो अध्यक्षवाणी चली थी उसमें भी बोला था, अभी तो ये छोटे छोटे झटके आ रहे हैं। क्या आगे चल के बड़े बड़े झटके आएंगे? इससे पहला झटका कब आया था? इससे भी पहले एक और झटका आया था, कहाँ आया था भूल गए? लातूर है? है, नाम क्या रखा? ला, क्या ला? तूर। तूर माने क्या? झंडा, झंडा ला और गाड़ दे। है शास्त्रों में दिखाते हैं कि शंकर ने तपस्या की, तो तपस्या करते समय उनका जो पसीना निकला उससे नर्मदा नदी निकली, इसका मतलब क्या? तपस्या करने से जो पसीना बहा तो बताया कि नर्मदा नदी निकली। नाम क्या रख दिया? नर मदा। नर भी है और मादा भी है, वो विराट पुरुष है ना? क्या उनका रहे विराट पुरुष भगवान का बड़ा रूप है ना? तो जब बहुत मेहनत करता है, एड़ी चोटी की ताकत लगाता है, तपस्या करता है, तो क्या निकली? है नर मादा। वो नर भी है और मादा भी है। महाभारत में कोई ऐसा पार्टधारी है जो नर भी है और मादा भी है? शिखंडी। क्या? अंडी, अंडी बच्चा है। अंडी माने बीज, सिख माने सिखा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे, आगे।
बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर के माथे में अर्धचंद्र बना दिया। त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर के माथे पर अर्धचंद्रमा नहीं। अच्छा, उस समय अगर चंद्रमा ने प्रवेश किया था क्या? त्रिमूर्ति का चित्र जब बना था, जो बाबा ने साक्षात्कार से चित्र बनाया, उसमें साक्षात्कार में सच्ची बात देखने में आएगी या झूठी बात देखने में आएगी? अरे साक्षात्कार में जो देखते हैं वो प्रैक्टिकल बात होती है, झूठी बातें होती हैं, सच्ची बातें होती है ना। तो जिस समय त्रिमूर्ति का चित्र बना, उस समय ज्ञान चंद्रमा शंकर के माथे में प्रवेश कर गया था क्या? नहीं। तो चंद्रमा क्यों दिखाया जाएगा? जब प्रवेश करेगा तभी तो दिखाएंगे। अब तुम चित्र बनाओ, चंद्रमा भी दिखाओ, भुजंग भी दिखाओ। भुजंग में ना सांप, कमर में दिखाओ, आस्तीनों में दिखाओ, कहते हैं आस्तीन में सांप घुसे हुए, गले में दिखाओ, सर के ऊपर दिखाओ। ये तो तुम्हारा काम है, प्रैक्टिकल में जो हो रहा हो तो दिखाओ। और सर के ऊपर गंगा है कि नहीं? अभी है गंगा, सर के ऊपर चढ़ा भी लिया है। चित्र को किसने बनाए? और भक्ति मार्ग वाले जब बनाए तब की बात अलग, वो सब कुछ दिखाई पड़ता है, सारी दुनिया की बात दिखाई पड़ती है। अभी शंकर के मस्तक में, शंकर की जटाओं में गंगा दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? अभी नहीं दिखाएंगे, अभी तो नहीं दिखाएंगे। ज्यादा प्यारा बच्चा होता है, बहुत सेवा करता है, तो माँ बाप उसको हमारे प्यार के सर पर चढ़ा लेते। मुरली में तो बोला है गंगा अंत में निकली, ज्ञान गंगाएं अंत में निकली है या पहले या बीच में निकली? अंत में निकली। तो जब निकलेंगी तो गंगा सर पे दिखाई देगी। पसीना बगी तो गंगा निकली, पसीना बगेगी तो गंगा निकली। गंगा निकली ये नहीं निकली, आपकी बगी तो नहीं, ये नहीं बताया। पसीना बहा तो गंगा नहीं निकली, वो बोल रही है नर्मदा निकली। अब पहले लड़ाई लड़ लो, क्या निकली? नहीं बोला, नहीं नर्मदा निकली, आप कह रहे गंगा निकली। बताए कौन निकली, नर्मदा निकली या गंगा निकली? हम तो बता दिया कि नर्मदा निकली, माता जी बोल रही गंगा निकली। गंगा तो जटाओं से निकली, गंगा तो अंत में निकली। जो महिमा दिखा चित्र में बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण की जो महिमा दिखाते हैं शास्त्रों में, वो सारी महिमा संग भी लक्ष्मी नारायण की। और जब देवी के चित्र में बताते हैं कि जेके मंदिर और बिरला मंदिर में जो मूर्तियाँ दिखाई गई है, नर नारायण की मूर्ति है और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, तो वहाँ पे नर नारायण की मूर्ति है संगम की लक्ष्मी नारायण की, और लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है लक्ष्मी नारायण की। बाबा ये अंतर ऐसे क्यों आया? कहाँ अंतर है? एक भी शरीर है, उसमें कभी नर नारायण की आत्मा पाठ बजाती है और कभी नरसिंह प्रिंस बनने वाले की आत्मा पाठ बजाती है, जो सिर्फ नारायण बनती है बाद में। अंतर कहाँ है? सारी तो एक ही है प्रैक्टिकल में, वो नर नारायण बनने वाले भी है उसी में, और उसी में सत्यु का लक्ष्मी नारायण भी है। अलग अलग बातें कहाँ है? हाथ उठाओ। अष्टदेवों में धर्मराज का तीसरा नंबर।
अष्टदेवों में तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है, है? बार अपना कार्य का प्रारंभ कर देगी क्या? हाँ बिल्कुल करेगी, धीरे धर बनूंगा, धीरे धर लग रहा है क्या? द्वापर में इब्राहिम के सोल में प्रवेश करते हैं तो द्वारिका में प्रवेश करते हैं कि विश्व किशोर में प्रवेश करते हैं? यहाँ जो भी आत्माएं हैं, चाहे नारी चोले में है चाहे पुरुष चोले में, उनके पार्ट के ऊपर हिसाब किताब बनेगा या स्त्री पुरुष चोले के आधार पर हिसाब किताब बनेगा? तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में मम्मा बाबा सत्यु में जाके पहले नारायण बनेंगे, बनेंगे ना? और यहाँ शूटिंग पीरियड में उन्होंने कौन से व्यक्तियों को अपना सारा कारोबार सौंपा, कौन पुरुष था और कौन नारी थी? विश्व किशोर कुमार, विश्व किशोर बाबू पुरुष था जिसको सारा कारोबार यज्ञ का सौंपा हुआ था। जितना उसके ऊपर विश्वास था बाबा को, उतना और किसी भाई के ऊपर विश्वास नहीं। और कन्याओं माताओं के बीच में मुरली में भी बोल दिया, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। खातिरी करने वाला कौन, शिव की सोल या ब्रह्मा की सोल? ब्रह्मा, ब्रह्मा की सोल। तो दो आत्माएं जैसे कि सतयुग के फर्स्ट नारायण के वारसदार बनने वाले क्लियर हो गए। कुमार का लक्ष्मी बनेंगे और विश्व किशोर नारायण बनेंगे। ज्यादा पार्ट किसने बजाया कंट्रोलिंग का? विश्व किशोर, उन्होंने कंट्रोलिंग का पार्ट बजाया, कारोबार चला, कारोबार चला, कंट्रोलिंग पावर तो कुमार के दाने। ज्यादा कंट्रोलिंग पावर राजा में होती है या रानी में होती है? राजा। तो कौन बनेगा? नारायण, कुमार का दादी नारायण बनेगा। फिर वही इब्राहिम किसमें प्रवेश, उसी में प्रवेश करेगा। जो यहाँ कंट्रोलिंग पावर ज्यादा धारण करेगा, राजा बड़ा बनेगा, उसी में वहाँ प्रवेश होगा, वही नारायण बनेगा। विश्व किशोर बनेंगे और नारी बनेंगे और क्या, ब्रह्म के सहयोगी नहीं बनेंगे और क्या? ज्यादा ज्ञान किसकी बुद्धि में था? तुम्हारे का। फिर विश्व किशोर बाबू में तो उतना ज्ञान भी नहीं था। भक्ति मार्ग में आजकल एक चित्र बना हुआ है, भक्ति मार्ग में आजकल एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र में रथ दिखाया हुआ है और उस रथ में जगदम्बा खड़ी है, रथ में जगदम्बा खड़ी है, और उस रथ को जो जैसे रथ को घोड़े जोते जाते हैं ना, तो उस रथ में चार शेर जोते जोते शेरों को जगदम्बा ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। हाँ क्या? जब महाकाली अपना पाठ बजाएगी तो शंकर जी सर ऊपर उठाएंगे क्या? है? सबसे बड़ा शेर कौन सा हुआ है? अरे सबसे बड़ा शेर कौन है? तीन शेर दिखाए जाते हैं, तीन शेर अशोक की लाट में दिखाए जाते हैं, नहीं दिखाए जाते हैं ना, उनमें बड़े से बड़ा शेर कौन सा है? शंकर। तो जब महाकाली अपना पाठ बजाती है और छाती पर पांव रखती है, छाती पर पांव रखना माना दबा बेइज्जती कर देना, तो शंकर जी सर उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं या कंट्रोल में आ जाते हैं? है? अरे लोगों को कंट्रोल में दिखाई पड़ते हैं या अपोजिशन करते दिखाई पड़ते हैं? है? कंट्रोल दिखाई पड़ते हैं। जैसे अभी बच्ची ने प्रश्न पूछा कि देवी को शेर की सवारी दिखाते हैं, दिखाते हैं ना? तो जिसकी सवारी देवी कर रही है उसको प्यार भी तो करती होगी, तो प्यार में तो कुछ भी हो जाए,
चाहे हम नीचे हो जाए चाहे तुम नीचे हो जाओ, कोई अंतर पड़ता है क्या? है? अच्छा, शंकर जी का काम क्या बताया है त्रिमूर्ति में? विनाश। और शंकर जी तो विनाश करते नहीं, कौन करता है? असुर संगायनी शक्तियां ही गायी हुई है। अगर महाकाल का काम महाकाली कर दे तो शंकर जी को अपोजिशन करना चाहिए या पोजिशन में रहना चाहिए? जवाब मिला कि नहीं? उसमें चार हाँ, तो वो और सहयोगी है। अरे वो जो चार जो दिखाए गए हैं, वो जो चार भाई शुरुआत में दिखाए गए यज्ञ के आदि में, वो अंत में भी है। चार भाई तीनों जो तीन विनाशकारी हैं, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन, वो भी तो घोड़े हैं। जो आदि में दिखाए जाते थे, कलकत्ते में पहले चार घोड़ों की गाड़ी चलाते थे, बोला ना, वो चार घोड़ों की गाड़ी कौन सी थी? यही मन रूपी चार घोड़े हैं, जिनको शास्त्रों में दिखाया है ब्रह्मा के चार पुत्र हुए, कनक, सनातन, सनंदन, कनक कुमार, और इनसे सृष्टि पैदा हुई। तो ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि पैदा हुई या ब्रह्मा के चार पुत्रों से भी सृष्टि पैदा हुई? चार पुत्रों से सृष्टि पैदा हुई। अब अशोक की लाश में चार शेर में तीन दिखाई देता है ना चेहरा, पीछे वाला कैसे दिखाई देगा? हाँ वो कौन है? तीन तो कम काम करता है, नहीं दिखाई देता? नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो तीन हो गए, जो ज्यादा नहीं, जो ज्यादा दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है, जो कम दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता। ब्रह्मा की चार मुख दिखाए जाते हैं, तो जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति रखी होती है तो तीन मुखी देखने में आ रहे हैं, तो पीछे वाला दिखाई पड़े, पीछे वाला नहीं दिखता है, नहीं दिखाई पड़ता। वही कौन कौन? जिसने कोई काम नहीं करके दिखाया वो दिखाई नहीं पड़ता, ब्रह्मा हो गया। शिव की भी चौमुखी मूर्ति दिखाई जाती है। हाँ जी, ब्रह्मा के चार मुख दिखाए हैं, ऐसे ही अशोक के चार मुख शेर भी हैं, लेकिन जब फोटो खींचा जाएगा तो तीन शेर दिखाई पड़ेंगे, पीछे का देखने में नहीं आता, क्योंकि पीछे रह जाता है काम करने में। और जन्माष्टमी पर ब्रह्मा की सोल मोहिनी बहन जी में प्रवेश करती, लेकिन महाव्रत वाणी नहीं चलाती। तो महाव्रत वाणी क्यों नहीं चलाती? जन्माष्टमी जब मोहिनी बहन जी में प्रवेश करती है, और अभी 69 से लेकर के 2007 चल रहा है, कितने साल हो गए? 38 साल हो गए। 38 बार मोहिनी में प्रवेश किया। ब्रह्मा की सोल ने जन्माष्टमी के दिन मोहिनी में 38 साल प्रवेश किया क्या? क्यों ऐसी बात बोलते हैं? है? अरे बाप दादा जो है कोई भी बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, क्या मोहिनी क्या कोई बच्चा। तुम बच्चे सर्विस नहीं करते हो, बाप दादा प्रवेश करके सर्विस कराते हैं। तमो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी या सतो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी, कौन सी आत्मा सर्विस करेंगी? सतो प्रधान आत्मा सर्विस करती है, तमो प्रधान आत्मा जिस सर्विस करती है। बाबा वो तो खेल पाल करती हैं, जब उन्हें प्रवेश करती हैं, करती है वो आत्मा किसमें? मोहिनी बहन में तो खेल पाल करती है। हाँ, तो क्या हुआ जैसा, इसमें क्या अंतर पड़ गया? खेल पाल करें चाहे बोल चाल करें, अंतर क्या पड़ता है? तो ब्रह्मा की सोल है,
हो सकता है, हमें इन बातों में जाने की जरूरत क्या है जिस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता। वाणी आए तो हम टैली करें मुरली से कि कोई वाक्य उसमें ऐसा तो नहीं आया जो मुरली के बर खिलाफ हो। जैसे अव्यक्त वाणी चलती है तो अव्यक्त वाणी में एक भी वाक्य ऐसा नहीं आता जो मुरली को काटने वाला हो। तो हम समझते हैं कि हाँ बाप दादा गुलजार दादी में आए, ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आई। अब जहाँ वो बोलती ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो हम कैसे जान लें तो कौन सी सोल ने प्रवेश किया। कोई कहते हैं इसमें मम्मा बाबा आते हैं, मुरली ने बोला, कोई कहते हैं इनमें मम्मा बाबा आते हैं, आज मम्मा बाबा आवेंगे कल कोई कुत्ता बिल्ला आ जाएगा तो क्या करेंगे। टाइम हो गया हमारा।